इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्वेप्ट कट में सॉलिड प्रोफाइल। पिछली लेक्चर में हमने इस 3D पार्ट से स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल सीखा था। आज हम सॉलिड प्रोफाइल सीखेंगे। सॉलिड प्रोफाइल के लिए टूल बॉडी और पाथ चाहिए होता है। टूल बॉडी के लिए एक छोटा सा कंडीशन है कि वो लाइन और आर्क से बना होना चाहिए। लाइन और आर्क के बीच टेंजेंट का रिलेशन हो और ये रिवॉल्व बॉस बेस से बना हो। तो चलिए टूल बॉडी बनाते हैं। कट स्वीप थीन वन को डिलीट कीजिए और इसका थिकनेस इंक्रीज करेंगे 40 mm। ओके, टूल बॉडी बनाने के लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। लाइन कमांड की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लाइन लाइन। अब इसमें फ्यूचर टूल लगाएंगे, फ्यूचर्स रिवॉल्व बॉस बेस। एक्सिस के लिए हम ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। हमें सेपरेट बॉडी चाहिए तो हम मर्ज रिजल्ट को अनटिक कर देंगे। ओके कीजिए। अब हम पाथ ड्रॉ करेंगे। पाथ ड्रॉ करने के लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। इसे हम वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइन कमांड की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये टूल बॉडी को टच करते हुए ऊपर की साइड जा रहा है। एग्जिट स्केच कीजिए और इसे शेडेड विथ एजेस कीजिए। फ्यूचर्स स्वेप्ट कट सॉलिड प्रोफाइल। टूल बॉडी में हम ये टूल बॉडी सेलेक्ट करेंगे और पाथ के लिए हम ये लाइन सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए स्वेप्ट कट हो गया सॉलिड प्रोफाइल से। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।